प्राणाधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साहब जी, आप सबके आत्मस्वरूप में मैं प्रेम पूर्वक वंदन करता हूँ। श्री प्राणनाथ जी वैश्विक चेतना अभियान, प्राणनाथ ग्लोबल कॉन्शियसनेस मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको कुछ जानकारी देने हेतु मैं उपस्थित हुआ हूँ। 5 वर्ष तक चलाए जाने वाले ये जागनी के महाअभियान में हम सब सुंदर साथ कैसे कार्यान्वित हो सकते हैं, ये बताने के लिए मैं आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स आज रखूँगा। कुछ लघु पुस्तिकाओं प्रकाशित करने का सोचा गया था, उसके अंतर्गत 6 लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। 3 पुस्तिकाओं का दर्शन मैं अभी आपको कराऊंगा। पहला पुष्प है जीवन एक अनमोल अवसर, द्वितीय पुष्प है खोजत खोजत सतगुरु पाइए, 3 पुष्प अभी प्रिंटिंग में है दुख देवे दीवानगी, साधना का शत्रु अहंकार और ब्रह्म ज्ञान। और अभी ताजेतर में बम्बोरा राजस्थान में हो रहे कार्यक्रम के लिए, जहां बुद्ध निहकलंक को मानने वाले 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनकी ज्ञान पिपाशा को तृप्त करने के लिए एक पुस्तिका का निर्माण किया गया है, बुद्ध निहकलंक अवतार एक परिचय। बम्बोरा विस्तार में 1000 से ज़्यादा कॉपियां आमंत्रण पत्रिका के साथ में भेज दी गई है। बाकी की लघु पुस्तिकाओं का हमें समाज में जाकर के घर घर जाकर के वितरण करना है। आप सब सुंदर साथ से मैं अनुरोध करूंगा कि सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में लग जाए। आप तय कीजिए वीक के अंदर एक दिन संडे के दिन को आप 4 घंटे राज्य के कार्य के लिए निकाल सकते हैं, जागनी के कार्य के लिए निकाल सकते हैं। तो आपके ही क्षेत्र में रह करके ये पुस्तिकाएँ श्री निजानंद आश्रम वडोदरा से प्राप्त कर लें, और संडे 4 घंटे में यदि आप 10 घर या 15 घर में जा कर के ये पुस्तिकाएँ दे आएंगे तो आपका संपर्क बनेगा। साथ में ये प्लान कीजिए कि वही घर में आपको जा कर के महीने में दूसरी बार दूसरी पुस्तिका लेकर के जाना है, अगले महीने और पुस्तिका लेकर के जाना है। तो ये सारा कार्यक्रम लगातार बना रहेगा तो आपको ये पता लगेगा कि किसकी क्या आध्यात्मिक भूख है, उसी हिसाब से हम उनको अगला साहित्य दे सकते हैं। आपको नाम पता और टेलीफोन नंबर साथ में लाना होगा कि आप कहाँ पर गए, किसको ये पुस्तिका दिया, और बाद में जा कर के हम ये तय करेंगे कि किसका क्या आध्यात्मिक मार्ग पे उन्नति हो रहा है, उसी हिसाब से हम लोग आगे का साहित्य देने का भी प्रयास करेंगे। पता तब लगेगा कि जब हम संपर्क में आएंगे एक खास पुस्तिका जो है सुंदर साथ समाज को छोड़ कर के आम समाज के लिए, जिसके पास में श्री प्राणनाथ जी की वाणी अभी तक नहीं पहुंच पाई है उनके लिए प्रकाशित की गई है। शायद आपको ये लगे कि आपके लिए उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि ये पुस्तिकाओं के द्वारा श्री मुखवाणी का जन जन तक प्रसार होगा। हमारे धनी ने हमारे जिम्मे ये लगाई है जिम्मेदारी। हमने जब तारतम लिया, हमने अपने धनी के प्रति अपनी वचनबद्धता जाहिर की थी, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। मुझे ये दावा सिद्ध करने के लिए एक कार्य करना बहुत मेरे लिए ज़रूरी है। 6ठे दिन की शोभा धनी ने हमें बख्शीश की है, तो ये इल्म के द्वारा हमें धनी के संदेश को हम सुंदर साथ सब मिल कर के 6ठा दिन मोमिनों का, हम सब मोमिन सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि आत्माएँ जितना प्रयास करेंगी उतना ज़्यादा लाभ और आत्माओं को भी होगा।
क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि ब्रह्म सृष्टि कहाँ बैठी है, कौन से कोने में छुप कर बैठी है। कई जागरी अभियान के वर्षों के अनुभव में मुझे लग रहा है कि कई सुंदर साथ जो आज बने हैं, एक सामान्य चोट लगने से, एक सामान्य ज्ञान, एक आधी चौपाई, आधा लुगा पहुंचने से सुंदर साथ बने हैं। हम ऐसा क्यों सोचे कि ये ज्ञान देने से कौन किसी तरह धनी के चरणों में आएगा, वो धनी का काम है। हमारा काम सिर्फ संदेश पहुंचाना है, हिसाब लेना धनी के जिम्मे है, ये समझ करके ये कार्य हम जिम्मेदारी पूर्वक निभाए और सब सुंदर साथ छठे दिन की शोभा को प्राप्त करें। और हमारी इस कार्य करते हुए भी हम सब सुंदर साथ की एक दिली बनेगी, धनी के गुज को हम जाहिर करेंगे तो हम सब सुंदर साथ आइए मिलकर के एक कार्य में जुट जाए और पूरे विश्व में श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी का गूंज अगले 5 साल तक बने ऐसा प्रयास करें। आपको मैं पता और जो है पुस्तिका प्राप्त करने का अभी यहाँ पर ही रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आप यही पते पर संपर्क करके आपके विस्तार में जितनी भी लघु पुस्तिकाएँ चाहिए आप हमें बताइए, आपके तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सब सुंदर साथ को मैं प्रणाम करते हुए अपनी इस बात को विराम देता हूं। प्रणाम जी।